कहानी है जीवन के परिवार की, जीवन पर जान छिड़कने वाली माँ गायत्री, बीवी मीना और बेटी खुशी। इनका परिवार बहुत खुश था क्योंकि गायत्री और मीना कुल्फी बनाया करती थीं और जीवन इन्हें बेचा करता था। कुल्फी, स्वादिष्ट कुल्फी, मलाई कुल्फी, केसर कुल्फी, पिस्ता कुल्फी, कुल्फी, कुल्फी वाले कुल्फी। अंकल, एक मलाई कुल्फी दीजिए। ये लो बेटा, इसके 2 रुपए हुए। इसी प्रकार जीवन दिन भर घूम घूम कर सारी कुल्फियां बेच दिया करता था। एक दिन की बात है, जीवन खुशी को बाजार घुमा रहा था। बाबा, मुझे वो गुलाबी चूड़ियां चाहिए। चलो चलते हैं बेटा। जीवन और खुशी चूड़ी की दुकान की ओर चल ही रहे थे कि तभी एक गुस्सेल बैल उन दोनों की ओर दौड़ने लगा। सारे बाजार में अफरा तफरी मच गई। जीवन ने बैल को देख लिया और खुशी को आगे धकेल दिया। बैल ने जीवन को अपने पैरों तले रौंद दिया। जीवन को अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसका सारा परिवार आंसू बहा रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये कभी चल पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर जीवन का परिवार और भी ज्यादा टूट गया। 1 महीने बाद जीवन घर आया। अब घर खर्च का क्या होगा? मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना होगा। अब आप कैसे काम करेंगे? कोई ना कोई काम जरूर कर लूंगा। मैं सोच रही थी कि अगर किसी को काम करना ही है तो मैं करती हूँ। नहीं नहीं माँ, मेरे रहते हुए आप काम करें। सासू माँ, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो एकदम तंदुरुस्त है, तो काम मुझे करना चाहिए। लेकिन तुम क्या करोगी? वही जो आप करते थे। अरे, कुल्फी की टोकरी लेके सर पे घूमना इतना आसान काम नहीं है, और तुम तो एक औरत हो। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई पर्याय नहीं है। शुरुआत में मैं कम कुल्फियां लेकर जाऊंगी। ठीक है, अब सब भगवान के हाथ में है। गायत्री और मीना ने एक बार फिर कुल्फियां बनाई। इस बार जीवन ने कुल्फी की टोकरी में हमेशा से आधी कुल्फी भरी। तुम्हें यकीन है ना? मीना ने हामी भरी और टोकरी उठाकर निकल पड़ी। कुल्फी, स्वादिष्ट कुल्फी, मलाई, केसर, पिस्ता। अरे वाह, कुल्फी! बच्चे मीना की ओर दौड़ पड़े। मुझे मलाई चाहिए। मुझे केसर। मीना ने एक एक करके सभी बच्चों को कुल्फियां दी। वो आगे बढ़ती रही और कुल्फियां बेचती रही। शाम तक उसके पैरों में बहुत दर्द था। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, न जाने ये सब कैसे करते थे। मीना चलते चलते घर पहुंची। सासू माँ, ये लीजिए आज की पहली कमाई। गायत्री ने वो पैसे भगवान के सामने रखे। आओ बैठो। मीना जीवन के बगल में बैठी और जीवन ने मीना के पैर अपनी गोद में रख लिए और उन्हें दबाने लगा। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? पूरा दिन घूम के पैर दर्द कर रहा होगा, उन्हें दबा रहा हूँ। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, मुझे पाप लगेगा। चुप, एकदम चुप। जीवन ने मीना की एक न मानी और उसके पैर दबाता रहा और गायत्री ये देख खुश थी। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ऐसे बहु बेटे दिए और मुसीबत के समय एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। फिर रोज मीना ने कुल्फियां बेचने का सिलसिला जारी रखा और गायत्री घर संभालने लगी।
इस तरह जीवन के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद उसके परिवार ने उसका साथ दिया और उसकी जिंदगी बदतर होने से बच गई। तो बच्चों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बुरे समय पर अपने ही काम आते हैं। आज से 40 साल पहले बरखा रानी 5 साल की थी। बरखा, बोलो 2 + 1 = 2, 2 × 2 = 4। 2 + 1 = 2, 2 × 2 = 4। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8। 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। 2 × 5 = 10। बस बस, काफी है। क्या हमेशा ये पहाड़े लगाए रखे हैं? तुम नहीं समझोगी बरखा, तुम जारी रखो। 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। अरे बस बस, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई। और क्या करेगी ये पढ़ाई लिखाई करके? आखिर इसे चूल्हा ही तो संभालना है। तो चल मेरे साथ, रोटी बनाना सिखाती हूँ। लेकिन माँ, मुझे पढ़ना है। नहीं कहा ना, चल। अरे अब छोड़ भी दो इसे। आप तो शांत ही बैठिए। जब ब्याह करके जाएगी तो कोई पहाड़ा नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा कि इसे खाना बनाना आता है या नहीं। बरखा रानी के बाबा कुछ ना कर सके और उसकी माँ ने उसे चूल्हे चौके में झोंक दिया। खाना पकाते पकाते बरखा रानी बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई और वो अब भी खाना ही पका रही थी। वो अक्सर ये सोचती कि काश वो भी पढ़ लिख पाती। मेरी माँ ने तो मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी। कुछ सालों बाद बरखा रानी को एक बेटा हुआ। अब बरखा रानी बहुत खुश थी। अब यही मेरे पढ़ने का सपना पूरा करेगा, ये पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। बरखा रानी ने अपने बेटे के लिए कई किताबें लाई। वो अक्सर उसे पढ़ाने बैठा करती थी, लेकिन उसके बेटे विनोद को तो पढ़ाई में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। उसका सारा ध्यान सिर्फ खेल कूद में ही रहता था। समय के साथ विनोद बड़ा हुआ और वो 20 बरस का हो चुका था और उसे खेती बाड़ी करने का शौक था। बरखा रानी का सपना सपना ही रह गया। लेकिन कुछ दिनों बाद बरखा रानी विनोद की शादी के लिए लड़की देखने गई। उस लड़की का नाम नंदिनी था और वो सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी थी। बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, आगे क्या करना चाहती हो जीवन में? मैं और पढ़कर कलेक्टर बनना चाहती हूँ। बस यही बात बरखा रानी को भा गई। विनोद और नंदिनी की शादी करवाकर बरखा रानी उसे अपने घर ले गई। एक बार फिर बरखा रानी के सपनों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। बेटा, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, सारे घर का काम मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी सास के समर्थन के साथ नंदिनी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वो अक्सर किताबें लेकर बैठा करती थी और बरखा रानी सारे घर का काम संभाला करती थी। एक दिन बरखा रानी के घर उसकी जेठानी आई। बहू, अरे ओ बहू। प्रणाम बड़ी सासू माँ। जीती रहो। बरखा रानी और उसकी जेठानी आपस में बातें करने लगे। बहू, एक काम करो।
हमारे लिए ठंडी लस्सी बना दो, बहुत गर्मी लग रही है। अभी लाई। तुम रुको बहू, मैं लाती हूँ। और वैसे भी भाभी ने कई सालों से मेरे हाथ की लस्सी नहीं पी है। बरखा रानी लस्सी बनाने रसोई में चली गई और नंदिनी वापस अपनी किताबें लेकर बैठ गई। ये सब देख बरखा रानी की जिठानी चौंक गई। बरखा रानी लस्सी के दो ग्लास लेकर लौटी। ये लीजिए भाभी। ये अच्छा नहीं है। क्यों, लस्सी में कोई गड़बड़? मैं लस्सी की नहीं, तुम्हारी बहू की बात कर रही हूँ। वो यहाँ मजे से आराम कर रही है और तुम सारा काम कर रही हो। एक बार इसे ऐसी आदत लग गई तो समझ जाओ ये तुम्हारी कभी सेवा नहीं करेगी। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो बेचारी आराम कहाँ कर रही है, वो तो पढ़ रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम अपनी बहू को पढ़ा क्यों रही हो। मैं तो पढ़ नहीं पाई, कम से कम मेरी बहू ही पढ़ ले। जेठानी ने बरखा रानी को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन बरखा रानी ने उनकी बात मानी ही नहीं। एक दिन की बात है, बरखा रानी का बेटा उनसे बात करने आया। माँ, ये नंदिनी का पढ़ना जरूरी है क्या? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, गांव में सब लोग ताने मारते हैं कि मेरी पत्नी आराम करती है और मेरी माँ सारा दिन काम करती है। तो लोगों की बातों में मत आ। अच्छा ये बता, क्या मैंने तुझे कभी खेती बाड़ी करने से रोका है? नहीं। क्योंकि वो तुझे पसंद है और नंदिनी को पढ़ना पसंद है, मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? और तू तो जानता ही है कि मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन पढ़ नहीं पाई। तू भी कुछ खास पढ़ा नहीं, कम से कम उसे तो पढ़ने दे। ठीक है माँ। बरखा रानी ने अपने बेटे को भी मना लिया। नंदिनी ने IAS की परीक्षा दी और पास होकर वो उस जिले की कलेक्टर बन गई। जब कलेक्टर बनकर नंदिनी बरखा रानी का आशीर्वाद लेने आई तो बरखा रानी की आंखें नम हो गईं। सासू माँ, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। बरखा रानी ने अपनी बहू का माथा चूमा। अब जब बरखा रानी गांव में घूमती थी तो उन्हें गर्व था कि उनकी बहू कलेक्टर है। तो बच्चों, इस तरह एक सास ने अपनी बहू को कलेक्टर बनाया और आखिरकार बरखा रानी का सपना उनकी बहू नंदिनी ने पूरा कर दिया। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।